नींद हम सबके लिए बहुत जरूरी है, पर फिर भी हम इस चीज को इग्नोर करते हैं और इसके चलते इसका असर हमारे बॉडी पे देखने को मिलता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है। तो कौन सा नींद हमारे लिए बेस्ट होता है, किस समय हमें सोना चाहिए जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह से जो है प्रिपेयर हो सके। और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हम जो सोते हैं ना उसके चार चक्र होते हैं, यानी कि हम हर रोज चार चक्र को पूरा करते हैं। जैसे कि सोने का ये चक्र होता है और एक चक्र जो होता है वो करीब 90 मिनट का होता है और इसे हम लोग नॉन रैपिड आईज मूवमेंट बोलते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि नींद जो है एक दवा के रूप में हमारे शरीर को रिपेयर करती है और इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। जैसे कि नींद के दौरान हमारे शरीर के जो सेल्स है, मसल है, टिश्यूज है, ये सारे जो है वो बढ़ते घटते हैं और एक तरह से लीवर को लेकर, किडनी को लेकर, दिमाग, ये सभी चीजें जो है वो रिपेयर होती है। और फैक्ट आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें जब नींद लगे तो हमें सो लेना चाहिए, समय नहीं देखना चाहिए। ये बहुत हद तक सही है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि नाइट की जो नींद होती है ना उसमें हमारा बॉडी बहुत अच्छे से रिपेयर होता है। पर एक और फैक्ट है कि अगर हम नाइट में भी सही समय पर नहीं सोते हैं तो बॉडी सही से रिपेयर नहीं होता है। तो रियली में जो सोने का सही समय है वो है हमारा 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे का जो हमारा सोना होता है ना, वो रियली में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे बॉडी के लिए।